अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपसे 3-4 दिन बाद मिल रही हूँ। इतना कुछ ज्यादा ही फ्रेंड्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी कि मतलब उलझने हो जाती है ना कभी कभी तैयारियों के साथ साथ। जैसे मैं आपको हमेशा हर चीज के दो पहलू बताती हूँ, तो हम जैसे व्लॉग बनाते हैं, हम व्लॉगर से हमारा काम है अपनी हर चीज आपको दिखाना, अपनी तैयारी, अपने हमने क्या कपड़े लिए, हमने अपना क्या ज्वेलरी ली, मेरा फर्ज है आपको ये भी बताना। अगर आप लव मैरिज कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है और हर चीज़ का आंसर आपको देना पड़ता है हर फैमिली की तरफ से। आपको पता है मुझे थायराइड भी है, हार्मोन्स का भी इशू है, तो मैं कोई चीज़ को ज़्यादा सोच लेती हूँ। तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि कुछ भी चीज़ों में मन नहीं लग रहा था। फिर मम्मी ने कहा नहीं बना लो वीडियो, कुछ तो बना लो। रिजा की साड़ी भी लेनी थी, तो आज हम गए। नाजा खाला लोग भी आ रही हैं, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अगर मम्मी ने कह दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए भोपाल भी जाऊँगी। भेज दोगी ना? अभी वादा नहीं करती। नहीं प्लीज, तो अम्मी को भी थोड़ी सी आदत भी पड़नी चाहिए ना मेरे बिना रहने की। नहीं, तो अच्छा लगेगा। वो बात अलग है, वो तो देखो हर बेटी के साथ में होता है। गम होता है उतनी 10 गुना खुशी भी होती है कि अपनी बेटी इतनी छोटी होती है, अब इतनी बड़ी शादी लायक हो गई है, तो खुशी तो होती है। जाना तो लगा रहता है, देखो यहाँ भी रहेगी वहाँ भी रहेगी, अब वो ससुराल है उसका। यही सिखाऊंगी, यही बोलूंगी कि मुझसे ज्यादा उनको बेटा प्यार करना। वो तेरा अब मेरे बाद वो तेरा घर हो जाएगा। वो तो होगा तो भोपाल के लिए कह दो। भोपाल के लिए रही बात कि मैं उसी टाइम बताऊंगी, अभी वादा नहीं करती। अम्मा मुझे अच्छा लगेगा। मैं तो हाथ जोड़त हूँ, मने जा तू नहीं मुझे मोटे कटकटा दे, मने झेल तू मुझे नीक ना लगे। दो दिन अच्छा अभी देखेंगे, पक्का नहीं अभी नाजा खाला को आने दो, ठीक है। तो ऐसा था ना, आप लोग पूछते हो सब अपनी शादी की तैयारियां दिखाओ, सब अपनी क्या लिया क्या किया, तो तैयारियां भी मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे एक भी कपड़े अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन टाइम है तो इंशाल्लाह मुझे लगता है हो जाएंगे। और मैंने अम्मी से पहले ही कह के रखा था कि अम्मी मेरी कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे इसका पहनना है कि उसका डिजाइनर का पहनना है, जो बन के आ जाएगा मेरे सामने वो पहन लूंगी। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मोहम्मद अली रोड साइड ना बहुत सारे लोकल मार्केट की शॉप्स है, तो इंशाल्लाह अगर वहां पे होगा तो वहां भी जाके देखेंगे, जहां से भी मिल जाएगा पहन लेंगे, इतना स्ट्रेस नहीं है। बस मेरी दुआ ये है कि शादी अच्छे से हो जाए और खुशी खुशी हो जाए। अच्छे से भी हो जाती है शादी, बड़े लेवल पे भी हो जाती है, बस हर चीज मैटर क्या करती है, एक दुल्हन से अगर पूछे, एक लड़की से अगर आप पूछो, तो वो ये चाहती है बस खुशी से सारी चीजें हो जाए। और मेरा कभी भी कोई ऐसा सपना ही नहीं रहा कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। अगर सिंपल सा भी कुछ मिलेगा ना, हम लोग जाएंगे लोकल मार्केट पे देखेंगे, जैसे हर एक की शादी होती है ऐसे ही मुझे करनी है, सिंपल सी, कोई ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। सपना सिर्फ हमेशा से फ्रेंड्स ये रहा है कि शादी जैसी भी हो, अच्छी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कैसे भी हो, बस खुशी से हो जाए। इसीलिए हर चीज को मनाने के लिए इतना टाइम लिया, वरना से जिद करके तो आप 1 महीने 6 महीने में भी कर लेते हो। हम दोनों का ये था कि हर एक को मना के खुशी से हर चीज करनी है, तो वो खुशी खुशी में ना जब आप लव मैरिज करते हो तो आप उस चीज से बहुत गुजरते हो, सिर्फ मैं ही नहीं सनी भी। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं लव स्टोरी बताओ, तो लव स्टोरी इंशाल्लाह साथ में बैठ के अच्छी लगती है जब दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं, लेकिन उसकी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से बस मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी सपने नहीं देखे कि शादी कैसे चाहिए, बस मैंने ये सपना देखा कि इस इंसान से मेरी शादी हो जाए। और वो इंसान को पसंद करने की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, मुझे समझता है, सपोर्ट करता है बहुत सारी चीजों में। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, एक लड़के का ना, स्पेशली जब भी मैं अपने आसपास लड़कों को देखती हूँ, उनमें ईगो जो है वो कूट कूट के भरा होता है, उनको अपनी अना जो होती है वो बहुत प्यारी होती है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। लेकिन सनी एक ऐसा है जो अपना ईगो नहीं देखता, उसने हमारे लिए बहुत सारी चीजें सही है दोनों तरफ से, मतलब हर चीज में। जॉब उसकी अच्छी खासी चल रही थी, उसकी फैमिली में ज्यादा कोई लोग है ही नहीं, बस अम्मी पापा ही है, बहन अल्हम्दुलिल्लाह बाहर अपने सेटल्ड हस्बैंड के साथ, तो उसको कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं था, अच्छा खासा उसका काम चल रहा था। लेकिन हमने उससे कहा कि नहीं हम चाहते हैं कि हम इंडिया में रहें, उसने वो जॉब भी छोड़ी। हर चीज़ हर एक काम, हर एक चीज़ वो करने को तैयार है हमारी खुशी के लिए, तो वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक लड़का हर चीज़ बर्दाश्त करता है, ईगो नहीं बर्दाश्त करता, लेकिन वो हर चीज़ सहता है, हर चीज़ के सबा को तकलीफ ना हो। और यही रीज़न है कि बस मुझे ये था, मैं अल्लाह से अभी भी और आप सबसे भी यही कहती हूँ कि बस दुआ करें कि हमारी खुशी खुशी अच्छे से शादी हो जाए और हम उसके साथ खुश रहें। आगे जो भी होगा अल्लाह वाले के, कल कोई देख के नहीं आया, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि उससे अच्छा इंसान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता था। रिजा मैं चली जाऊँ ना 2 दिन के लिए? नहीं। प्लीज नहीं। रेहान तुम तो कह दो। बिल्कुल नहीं, हम बिगड़ सकते हैं उससे। नहीं, कैसे बिगड़ोगे? नहीं, हमारे हाथों में कंट्रोल नहीं है, हम कुछ भी खा सकते हैं, आप नहीं जा सकते 2 दिन के लिए। नहीं भोपाल नहीं। अरे अरे अम्मी आपको अच्छे वाले सूट लेके आओ। नहीं सूट की जरूरत नहीं है आपको, आपकी जरूरत है अम्मी प्लीज। अच्छा एग्जांपल था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो नाजा खाले यहाँ पे 2-3 दिन रहेगी, अभी उनका लौटने का टिकट नहीं हुआ। आप कमेंट्स में बोलो कि सबको जाने दो, सबको जाने दो।